जब शिव शंकर भोलेनाथ तपस्या करते हैं तो गोरा मैया चली जाती है, कहती है कि भोलेनाथ मैं आपसे शादी करवाऊंगी। शिव शंकर भोलेनाथ उस मेरे ताऊ वर्गा था, कहने लगा या कौन सी आफत आके पड़गी। गोरा कहती है कि भोलेनाथ मैं आपसे शादी करवाऊंगी। शिव शंकर भोलेनाथ ने आंखें खोली और आंखें खोल करके देखा, कहने लगा नहीं नहीं गोरा, मैं आपके साथ में शादी नहीं करवाऊंगा, ऐसे कर किसी और लड़के के साथ में शादी करवा ले। लेकिन गोरा जिद कर लेती कि नहीं नहीं भोलेनाथ, शादी करवाऊं तो आपसे ही करवाऊं, वरना कुंवारी ही मर जाऊं। लेकिन भोलेनाथ एकदम देख करके और उस गोरा मैया को फिर मना करते हैं, लेकिन गोरा मैया नहीं मानती। और शिव शंकर भोलेनाथ उस गोरा मैया को कैसे समझाते हैं, सुनिए इस भजन के माध्यम से। बोलिए साचे दरबार की जय हो। कावड़ कोई को नहीं लावे, अरे मानो सारा तार मुंह भी मानता है कि जे मेरी माता बहन बैठी। तो आइए कैसे शिव शंकर भोलेनाथ उस गोरा मैया को समझाते हैं, एक बार पूरे पूरे हाथ उठा करके और नाचते हुए झूमते हुए इस भजन के अंदर हाजिरी लगानी। और क्या कहना है, हे तू राजा की राज दुलारी, we'll be right back.
आगे सुनिए आगे। अरे सोसो दासी दासर है मेरे, एक दासी दासर है मेरे। शाल तो शाल उठने आई पांबर तक भी पास नहीं रे, रंग महला मैं खेलने आई चौपड़ जुआ दास नहीं। एक कमंडल एक कटोरा कहने लगे गोरा मेरे पास एक कमंडल और वो भी फुट्टा और के कहने लगा फिर बांगर गढ़ के पिया करूं मैं बूढ़ी सोटे आड़ा सू आग देख के डर जागी। घोड़ा के बीच तपू मेरी आग देख के डर जागी। अरे सोना कपड़े मेरे घर में नाग देख के डर जागी। सोना कपड़े मेरे घर में नाग देख के एक बार सपेरे के नाम की तारीफ जा दे भाई। सपेरे ने भी आ रही है के साथ में रंडा है कैसे पेरा? अरे चलो कोई नहीं अगले जन्म में शादी हो जाओगी। अरे क्या करने आगे बोला था थे? फिर पच धूना के बीच तपो मेरी आग देख के डर जागी। अरे सोना कपड़े मेरे घर में नाग देख के डर जागी। सोना कपड़े मेरे घर में नाग देख के डर जागी। अरे राख खोल के पिया करूं मेरा भाग देख के डर जागी। भैया जी आप खड़े हो ना एक बार खड़े हो जाते ना माकी सुला के खड़ा हो ले मैं के प्रेशर करूं हूं तेरा पियो जी आप खड़ा ही पास आजकल के छोरे भी छोरियां पर की हो रहे हैं जय भोलेनाथ।
हरी दरिया करू तू पालक यम शैल कर मैं सवारी रया करू तू पालक यम शैल कर मैं बैल सवारी करया करू तू पालक यम शैल कर मैं बैल सवारी रया करू अरे प्रिया पद की लगा समाधि अटल तारी रया करू प्रिया पद की लगा समाधि अटल तारी रया करू भोजन खाने आई मैं पेट पुजारी रया करूं तू शक्ति भोजन खाने आई मैं पेट पुजारी रया करूं तन कर भी चाहिए पर भी चाहिए मैं सदा उडारी करया करूं तन कर भी चाहिए पर भी चाहिए मैं सदा उडारी करया करूं तन कर भी चाहिए पर भी चाहिए मैं सदा उडारी करया करूं तन कर भी चाहिए पर भी चाहिए मैं सदा उडारी रया करूं तू साहूकार की बेटी से तू साहूकार की बेटी से मैं निर्धन बेटे आड़ा तू ए बे बे तुम भी दाढ़ी बजा लो पूरे पूरे हाथ उठा करके अरे जोर से ताड़ी ना बजावेगी ने बाबा के दरबार में आ रही है जोर से बाबा के दरबार में कंजूसी करेगी ताड़ी ना बजावेगी उसने अपने अपने सासू की कसम ला के सवेरे उसकी सासू सिट्टी मारे पावेगी देख लिए अरे हाथ जोड़ का माफी चाहू किसी की सासू की केवरा कल ने मौत आ रही मर जाए तो मेरा नाम ना लियो आइए पूरे पूरे हाथ उठा करके ताली जाते क्या कहना है रे बांगर गढ़ के पिया करू मैं कुंडी सोटे आड़ा तू बांगर गढ़ के पिया करू मैं कुंडी सोटे आड़ा तू जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ जय भोलेनाथ
गाड़ा क्या सुनिया के जिसकी दोनों धारा एक सी शैल कराना ठीक नहीं रे जिसकी दोनों धारा एक सी शैल कराना ठीक नहीं और ये इस भजन के अंतिम लाइन एक बार पूरे पूरे हाथ उठा करके सभी के सभी ताई बड़ी अच्छी मेरी ताई मेरी ताई का नाम की ताड़ी बजा दो। इस ताई पे एक बात याद आ गई मेरे इस ताई पर की एक मेरा दादी होया करती और सारी दुनिया में मेरे एक दादी होया करती अरे वो इतनी अच्छी होया करती इतनी अच्छी होया करती तने को नहीं बताना इतनी अच्छी होया करती जब मेरी दादी की बात पूछना चाहे एक बार पूरे पूरे आठा लो होता तो क्या तठा रहता तो उसके साथ में निपटे करता जोड़ सा मेरी दादी की बात पूछना चाहे पूरे पूरे आठा लो बता दियो मेरी दादी इतनी अच्छी होया करती कुत्ते ने लाशी गाल देती लेकिन पड़ोसियों ने कदे लाशी नहीं गालिया करती मेरी दादी के नाम की भी ताड़ी बता दे भाई और पूरे पूरे हाथ उठा करके ताली देते क्या कहना है तेरे भांगर गढ़ के पिया करू मैं कुंडी सोते आया तू।